समझाएं अम्मा को, अगर रानिया से पीछे ही छुड़वाना था आपको तो मुझे बताती। हम मिलके कोई रास्ता निकाल लेते ना, कोई बीच का रास्ता निकाल लेते, मगर नहीं, आपने तो मुझे कुछ समझा ही नहीं, मुझे बेवकूफ समझती है ना। उसे क्या बात करते, वो अपने माता में लगी हुई थी। तो क्या बातें कर रहे हैं? पहले तो कहीं ना कहीं मेरे दिल में सना की तलाक को लेकर अफसोस था, लेकिन अब मुझे लगता है कि जो कुछ उन लोगों के साथ हो रहा है ना, बिल्कुल ठीक हो रहा है। ये पछतावे का बोझ नाकाबिले बर्दाश्त होता है बेटा, ये बोझ उठा के इंसान एक कदम भी नहीं चल सकता, इसलिए वो ये सब कुछ बताकर अपने बोझ को हल्का करना चाहते। हमारे पछतावे इतनी देर से क्यों होता है? इसलिए कि लोग मकाफाते अमल भूल जाते। बड़ी पड़ी है जाने कैसी घड़ी है, ना पे है सारे रास्ते हूँ पागल हुआ, ना इसको कुछ पता है ना उसको कुछ खबर है, कोई तो हॉकी बूटी या कोई दवा, हर दर को खटखटाया ना जाने क्या क्या किया, सच कहती है ये दुनिया लगता है कि ही मसला, शीदे के तो वाईफाई के सिग्नल कम है, शीदे के सिग्नल, शीदे के तो वाईफाई के सिग्नल कम है, शीदे के सिग्नल, शीदे के तो वाईफाई के सिग्नल कम है, शीदे के सिग्नल, शीदे के तो वाईफाई के सिग्नल कम है, शीदे के सब सिग्नल। रायान के सबसे बड़े फ्रॉड का पता ही नहीं था। उसने प्रॉपर्टी बैंक में रखवा के बहुत बड़ी रकम वसूली है। क्या 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 छुपाएंगे हम लाइबा के ससुराल वालों से? उनका मुंह बंद करवाने के लिए तो कुछ बच नहीं गए। क्या करेंगे हम, कैसे होगा सब कुछ? रूफी का फोन आया था, तुम्हारा पूछ रहा था एज यूजुअल। बहुत परेशान रहता हूँ तुम्हारे लिए। अब्बू आप रूफी भाई से प्लीज कह दें कि मेरे लिए फिक्रमंद मत हो, मैं खुश हूँ, मुतमईन हूँ अपनी ज़िंदगी से। आपने कहा था कि अगर भाई जरीम को तलाक दे दे तो आप एक बहुत बड़ी रकम देंगी। हाँ कहा था। तो मैं डील पक्की समझूँ? ऐसा क्या लग गया तुम्हारे हाथ? मेरे हाथ जो सोने की चिड़िया लगी है उसको छोड़ दें आप। मैं आपको सिर्फ ये बताने आया हूँ कि फाइज कुछ दिनों में हरीम को तलाक दे देगा। खुमार में तेरे जी रहे यूं के हमसा कोई जिया ना होगा। एक बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई थी जिसकी वजह से मैं लेट हो गया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं, आओ बैठो। नहीं आंटी, जब तक आप मुझे दिल से माफ नहीं करेंगी ना, मैं बिल्कुल नहीं उठूंगा। सदके मुझे आपकी चॉइस पर जरा भरोसा नहीं है।
असल और मेरी शादी की शॉपिंग मैं खुद करूंगा, कोई और नहीं। अरे भला ये क्या बात हुई, पहले ही ब्लैंक चेक देके आ रही हूँ, जान अटकी हुई है मेरी। आप फिक्र मत कीजिए, वो लोग उसमें से एक रुपया भी नहीं निकालेंगे। इस ब्लैंक चेक का मतलब है कि एक कौड़ी भी ना निकाली जाए। अम्मा, आप उनकी अच्छी डीड को नेगेटिव एंगल क्यों दे रही हैं? अम्मा, लोग ठीक लगे आपको? मुझे तो फैमिली बहुत अच्छी लगी। मेरा तो पता नहीं क्यों दिल नहीं ठुकरा। क्या हम इस रिश्ते को थोड़ा और वक्त नहीं दे सकते थे? मारे लिए ज्यादा खुश हो तुम्हें अपनी मोहब्बत जो मिल गई, और ये लाचीज दिल भी किसी के काम आ सका। आपको आपकी मोहब्बत नहीं मिली? मिली है, लेकिन खुशी मुझे ज्यादा तुम्हारे भी। मैं तो बड़ी परेशान हूँ, पूरी जिंदगी की मेहनत जाया जाएगी मेरी। तो क्या हल है फिर, कुछ है आपके जहन? हल तो एक ही है बेटा, मैं तो सिर्फ अपनी बहू पे ना भरोसा कर सकती हूँ। अगर मेरी जगह नेहा चली जाए तो मैं बहुत रिलैक्स हो जाऊंगी। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, नेहा चली जाएगी कोई प्रॉब्लम थोड़ी। क्यों? एजुकेटेड है, बिजनेस अच्छा है उन लोगों का, और माँ बेटे के अंदर कोई गरूर नहीं है उसके बावजूद। और हाँ, उसे पेट्स का शौक है, तो निशा को भी है, ये तो आपको पता ही है कि दोनों के लिए बड़ा अच्छा होगा। और उसके अलावा मुझे कोई इतनी ज्यादा लंबी कोई दोस्तों की लाइन नहीं उसकी नजर आई। अगर पसंद आऊंगा तो हाँ करेगी, वरना इनकार कर देगी। बेटा वो लड़की भाड़ में गई है, वो लड़की मामा भाड़ में गई। आई डोंट केयर, मुझे ये शादी बिल्कुल नहीं करनी थी, सिर्फ आपके इंसिस्ट करने पे मैंने हाँ किया था। क्या हुआ, सब ठीक? कुछ परेशान लग रही हैं आप। बेटा मैंने तुम पे भरोसा किया था, तुम इतनी गैर जिम्मेदार निकली तो पार्लर छोड़ के आ गई। ये प्रोडक्ट्स मुझे इम्पोर्टेड नहीं लग रही। इम्पोर्टेड है ये प्रोडक्ट्स, देखिए ओरिजिनल है ये। नहीं नीलम, ये ओरिजिनल नहीं है, मुझे अच्छे से पहचान है। ठीक है, जो भी है यही है भाभी, इसी से ही करना होगा जो भी करना है। कुछ नहीं, बस मैं इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान हूँ, अलमास नहीं बता सकती तुम्हें, मुझे तुम्हारी इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है, प्लीज आ जाओ। अच्छा अच्छा मैं आती हूँ, तुम परेशान मत हो। जिसको पकड़ के लाया है, अगर वो दुश्मन नहीं है तो दुश्मन कौन है? बरलास बता रहा था कि जिसको पकड़ के लाया वो पाछा चाचा का कातिल है, लेकिन असल दुश्मन को पकड़ा नहीं है अभी। हेलो, कौन बात कर रहे तू? इसका मतलब है कि दुश्मन का काम जारी है। अरे दूसरा आदमी कौन हो सकता है बाबा? तुम अभी भी पूछ रहा है कि दूसरा आदमी कौन हो सकता है? ये वही है जिसका वजह से इस घर पे घटा छाया है। इन बातों से तो लग रहा है जैसे दुश्मन घर के बाहर भी और घर के अंदर भी। दुश्मनी का बीज तो पत्थर में भी उगाता है पाना, और हम सबने तो दुश्मनी का काश्तकारी बहुत किया। बरलास, बाहर का तो घर में बस चंदा चची है। फर्ज है तुम्हारा कि तुम हमारा साथ दे, क्योंकि सब जानता है कि जमदा सिर्फ तुमसे बातें करता है।